हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और आज हम निकले हैं झालावाड़ की बेहद खूबसूरत जगह जिसका नाम है मोड़ी की झर। मोड़ी की झर असनावर के पास है। झालावाड़ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर ये जगह है और एकदम हरी भरी पहाड़ी से घिरी हुई ये जगह है दोस्तों। तो चलिए आपको झालावाड़ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उसके दर्शन कराता हूँ। बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ, देखते रहिए मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर एक गुफा भी है और भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। और ये हरियाली ही हरियाली है दोस्तों, चारों तरफ एकदम हरा भरा जंगल, घना जंगल। तो ये है दोस्तों हरा भरा हरी भरी मोड़ी की झर। बेहद खूबसूरत जंगल है यहाँ पर। और बारिश में तो देखते ही ये जगह बनती है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, बारिश हरियाली पसंद है, तो आप ज़रूर इस जगह आए, एक्सप्लोर करें। तो ये खूबसूरत रास्ता है दोस्तों, पथरीला, और हम चल रहे हैं इस रास्ते से। ट्रैकिंग भी हो रही है हमारी अच्छी खासी, तो वेट लॉस का भी बढ़िया तरीका है ये। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस तरह से जा सकते हो। तो सेल्फी पॉइंट भी है यहाँ पर, कई सारे रॉक्स हैं अच्छी खासी, बड़ी छोटी हर तरह की। तो अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक तो आपकी यहाँ तक आ सकती है इस रास्ते से, लेकिन ये जो दूसरा रास्ता है, इस दूसरे रास्ते से हम पैदल ही आए हैं, ट्रैकिंग करते हुए आए हैं। तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ गांव है ये दोस्तों। तो इस तरह के कई सारे कुंड यहाँ पर है दोस्तों, छोटे बड़े, गहरे उथले, और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये झरना। ये कई सारे लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और इंडिपेंडेंस डे है। यहीं पहाड़ी पर एक शिव जी का प्राचीन मंदिर भी है और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं इस मंदिर पर। तो दोस्तों, हरियाली की बात की जाए, प्राकृतिक नज़ारों की बात की जाए, तो झालावाड़ के आगे सब फेल है। ये जो झंडा देख रहे हैं आप, वहाँ पर उबदर भी मंदिर है और वहाँ पर है भैरव जी का मंदिर। कई सारे लोग वहाँ भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो शिव जी का मंदिर, भैरव जी का मंदिर और माता जी का भी यहाँ पर स्थान है। तो कोटा झालावाड़ में कई सारे प्राकृतिक नज़ारे हैं दोस्तों, कई सारे प्राकृतिक स्थान हैं जहाँ पर मंदिर या धार्मिक स्थल बने हुए हैं। लोग अक्सर यहाँ आते हैं छुट्टी वाले दिन परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए, और यहाँ आकर के बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं। ये जो पानी आ रहा है झरने का, ऊपर से आगे से आप देख रहे हैं,
कितनी खूबसूरती से ये झरना बह रहा है। तो आगे भी आपको दिखाऊंगा मैं पूरी मोड़ी की झर, बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ। तो दोस्तों ये है मोड़ी की झर और असनावर गांव के पास जंगल के बीचों बीच हाइकिंग का, ट्रैकिंग का, पिकनिक पार्टी का मज़ा ही कुछ और है। तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे दूर दूर तक घना जंगल ही जंगल है और एकदम साफ पानी है। यहाँ पर बारिश के टाइम पर काफ़ी लोग आते हैं नहाने के लिए, बोट करने के लिए। खूबसूरत स्थान है ये। तो मोड़ी की झर असनावर क्षेत्र में ज़ोरदार बारिश हुई है और कुछ ही देर पहले अभी यहाँ पर हम गए थे ऊपर चट्टानों में झरने पर नहा रहे थे और अचानक पानी की आवक बढ़ गई है। ये आप देख सकते हैं मोड़ी की झर असनावर। और दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि पहाड़ी क्षेत्र में बेहतरीन बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है। और ये जो स्टेयरकेस बन रही है, सीढ़ियाँ बन रही है मंदिर पर जाने के लिए, ऊपर भैरव जी का मंदिर है वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से ये पानी आ रहा है। तो ये ऊपर मंदिर क्षेत्र है, ये है मंदिर पहाड़ी पर और चारों तरफ दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ी आप देख सकते हैं। कई सारे श्रद्धालु टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाने, माता जी के दर्शन करने। तो यहाँ ऊपर मंदिर है दोस्तों भैरव जी का, सीढ़ियाँ चढ़कर आपको जाना पड़ता है ऊपर पहाड़ी पर। तो आज का दिन बेहद ख़ास रहा है सभी के लिए, सावन का महीना है और ज़ोरदार बारिश देखने को मिल रही है। दोस्तों अच्छी खासी ट्रैकिंग ओके होने के बाद मैं वापस लौट रहा हूँ और नहाने का काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया लोगों ने सभी ने और मैंने भी। वैसे मैं नहाना चाहता नहीं था लेकिन बारिश इतनी तेज़ आई कि बिल्कुल मुझे गीला कर दिया, इसलिए नहाना पड़ा। तो ये थी मोड़ी की झर, खास जगह, हरी भरी हरियाली से भरी जगह। बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ, देखते रहिए मेरा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, अलविदा।